हमारा घर मिल गया। ये एक बेडरूम में इनो रहते, ये एक बेडरूम में। वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो नाश्ता हो गया, मैं बना रही हूँ चाय। तो अपन लिए शक्कर पत्ती, ओ शिट पत्ती नहीं है मेरे पास आज। आई थिंक मेरी चाय बनती नहीं बनती नहीं मालूम यार। मैं इनको बोली थी लेके आओ बन के, बट इन्होंने काम चला लेंगे अब थोड़ी पत्ती से। देखो पत्ती नहीं है, शाम में भी क्या करना कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इनको दो तीन बार भी बोली, कल भी बोली, नहीं लेके आए, भूल गए। तो चाय पीने वालों को तो मालूम ना चाय की पत्ती मस्त रहती। एक बाहर है और ये अच्छा, काफ़ी अच्छा हो गया ये स्टेप्स पे हमारे। ये नीचे जाते, ये यहाँ जाता। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो गाइस, आप लोग रेडी दिख रही होंगी। यस, तो हम लोग जा रहे बाहर बिकॉज यू नो ऑफिस से मेरे को कॉल करे थे, जल्दी रेडी होके रहो, कुछ अर्जेंट चीज़ है एंड कुछ गुड न्यूज़ भी है। तो मैं पूछ रही तो अभी मेरे को नहीं बोले, तो देखेंगे इन आइबल में मैं बात कराती हूँ, आपके साथ ही शेयर करना चाह रहे हो ना, तो देखेंगे क्या है। और मैं तो रेडी हो गई। आप लोग को मालूम ना समर तो है और धूप कैसी है बाहर, तो बॉडी के साथ अपने फेस भी हाइड्रेट होना ज़रूरी है गाइस। तो ये समर में मैं क्या यूज़ कर रही हूँ स्पेशल आप लोग को दिखाऊंगी, जो आप लोग हमेशा पूछते मेरे को दीदी हर चीज़ आप शेयर करो बोल के। तो मैं ए टू जेड आपको हर चीज़ शेयर करती हूँ, रेसिपी से लेके ड्रेसेस लेके शॉपिंग से लेके। तो मैं समझी चलो ये भी शेयर करेंगे, आप लोग को पसंद आता होगा। तो उससे पहले मैं रेडी हुई, तो मैं क्या यूज़ करी जब तक जाके आप लोग ये क्लिप देखो। तो मैं गाइस आज मैं आप लोग को दिखाने वाली हूँ वाओ स्किन साइंस एलोवेरा रेंज प्रोडक्ट्स। तो चलो स्टार्ट करेंगे। सो दीज आर वाओ स्किन साइंस एलोवेरा रेंज स्किन प्रोडक्ट्स। तो ये है गाइस एलोवेरा हाइड्रेटिंग फेस वॉश। इट कम्स विद ब्रश अटैच मेड ऑफ सॉफ्ट सिलिकॉन्स। इट हैज़ लॉक अनलॉक विच इज़ ट्रैवल फ्रेंडली। इट्स ए मॉइस्चराइजिंग एंड स्मूथिंग फेस वॉश विथ एलोवेरा कुकुम्बर एंड ग्रीन टी। दिस सिलिकॉन ब्रश हैज़ लॉक अनलॉक फॉर ईजी यूज। इट हेल्प्स क्लीन योर स्किन विदाउट कॉजिंग ड्राइनेस नेचुरली। इट हेल्प्स टू रिमूव डलनेस डेड स्किन एंड ब्लैक हेड्स। इसमें कुछ भी कलर एडेड नहीं है, कुछ भी सिलिकॉन नहीं है, कुछ भी केमिकल्स नहीं है। देखो गाइस वॉश करे बाद में कितनी क्लीन हो गई मेरी फेस। इसको यूज़ करे बाद में गाइस कूल और सेंसेशन फील आता ज़बरदस्त। अपन नेक्स्ट यूज़ करेंगे वाओ स्किन साइंस का एलोवेरा पील ऑफ जेल मास्क। दिस पील ऑफ जेल मास्क हेल्प टू स्टिम्युलेट कोलेजन प्रोडक्शन एंड रिड्यूसेस डेड सेल्स ब्लैक हेड्स एंड ड्राइनेस। इट कंटेन विटामिन B5 विच हेल्प टू रिड्यूस हाइपर पिगमेंटेशन। 7 से 10 मिनट रखने के बाद पील ऑफ कर दो। यहाँ देख सकते मेरी स्किन सॉफ्ट ग्लोइंग एंड स्मूथ हो गई। तो गाइस ये अपन लास्ट यूज़ करने वाले हैं, तो वाओ स्किन साइंस लिफ्ट एंड फॉर्म में एलोवेरा जेल है ये। ये आते 2 रोलर्स के साथ एकदम क्यूट से, इसमें भी है ऑन ऑफ, इसको करेंगे अपन ऑन। दिस फॉर्मिंग एंड जेल हेल्प टू गिव डेफिनेशन फॉर चिक्स जॉ लाइन एंड नेक। ये स्पेशली जॉ लाइन्स एंड चिक और नेक के वास्ते ज़्यादा यूज़ होता। रोलर्स जो है ना अप और डाउन फॉरवर्ड में कर सकते हैं आराम से ऐसा। एलोवेरा जेल इज इन्फ्यूज विथ जोजोबा ऑयल PE एंड विटामिन B and E। इट हेल्प्स फ्रॉम एंटी एजिंग एंड फाइन लाइन्स। सब मैं यूज़ करे बाद में मेरे फेस आप लोग को दिखा रही हूँ गाइस। वाओ एकदम वाओ स्किन साइंस प्रोडक्ट्स लगा के जस्ट वाओ बोल सकते हैं आप लोग। टाइम लिए बाद में भी अभी इनका टाइम नहीं जाता। बॉल कहीं को लेके आए? बॉल भी वहाँ पे पार्क भी है बोल के बोले हमारे दोस्त, पहले से प्रैक्टिस कर ले रहे हैं। यस, वहाँ पे खेलने भी काम में आता। आर यू एक्साइटेड? वेरी मच, बिस्मिल्लाह। फोन में पहले बोल दिया रेडी होके रहो रेडी होके रहो, तो स्पेशल चीज़ है कुछ चीज़ आप लोग को दिखाना है बोल के ज़बरदस्ती तैयार करके आज लेके आए, और वो है इनो शेयर करते आपसे। फ्रेंड्स जैसा आप लोगों को अभी बोले, मेरे जो फ्रेंड है एक ऑफिस फ्रेंड, उन्होंने क्या करे एक फ्लैट है अच्छी ऑफर में है, सेल कर रहे कोई, वो देखने चलो साथ में ले लेंगे दोनों मिलके बोल के उनका प्लान था। काफ़ी टाइम से उन्होंने बोल रहे थे लेकिन अपने को जो है मालूम ना
ऑफिस, फिर उनकी भी एक फैमिली है, उनके भी दो बेबीज है, तो उन्होंने हमेशा हम लोग से कुछ भी रहते टच में रहते, कुछ भी खरीदे तो हम लोग को बोलते ये चीज अच्छी है खरीदो। क्या हुआ उनका फोन टूट गया? फोन नहीं, कुछ बाइक एक्सीडेंट तो वो हो गया, चलो जैसा भी है। एंड हम लोग एक्चुअली उसके ऐसे जो है निकले घर देखने के, ऐसे घर अभी मैं देख लिया, पसंद तो आ रहा। अब वो क्या है आपको घर जाके आगे की बात करेंगे अपन। मैं अंदर प्रॉपर्टी में जाके जो है वीडियो नहीं लिया, बिकॉज़ वो अभी अपनी नहीं हुई, तो अपन अभी लेना सही बात नहीं है। जब तक देखेंगे, प्लान तो कर रहे हैं भाई खरीदना बोल के, बिकॉज हम लोग की जो जमीन, हम लोग जो पहले ब्लॉग में आप लोग देखे तो सेल कर देंगे, उसको जाके मेंटेन करना हम लोग से नहीं हो रहा, बहुत मुश्किल हो जा रही है। और मतलब वीकली या मंथली एटलीस्ट दो बार तीन बार वहाँ विजिट करना पड़ रहा है वहाँ पे, मतलब कोई वॉचमैन वॉचमैन भी नहीं है, तो वो एक थोड़ा सीन है। तो उसके ऐसे हम लोग प्लान कर रहे हैं कुछ फ्लैट ही ले लेंगे, उससे अच्छा बना बना हुआ। डॉग कितना क्यूट है ये, इनको डाले नवा बिस्किट्स तो लोग खा रहे। तो ये किधर लेके आई जी, पूरा जंगल दिख रहा है इधर। देखो से की कैसे के देवी जो मिल लो कैसे मुस्कावा ना सी ये और फिर देखो जो हम लोग घर देखे अभी ये है वो, तो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है ये, तो पसंद तो आया बट आगे हम लोग आपसे बात करेंगे। इस पे जो ये सेकंड फ्लोर है वो वाला था खाली, तो वो अभी देखा मैं, लग्जरी है, अच्छा है। ये हमारा घर मिल गया तो हम लोग ये बाई कर लिए, तो ये एक बेडरूम में इनो रहते, ये एक बेडरूम में मैं रहती हूँ। अच्छा है गाइस, इनो गए अंदर देखने के वास्ते। देख लिए अभी आ रहे बाहर, मैं नहीं गई बिकॉज अंदर काम चल रहे थे। दो भी घर देख लिए जो हमारा दोस्त रखा था ऑफिस का, जो मैं बोला आपको, तो उन्होंने जो है दो भी घर दिखा दिया हमारे को। अब ये है कि अपने को घर में जाके डिस्कस करना है और आपके साथ शेयर करेंगे। फाइनली हम लोग ये घर बाई कर रहे हैं नहीं कर रहे आप लोग को बताएंगे। अब इसमें ऐसा है कि इनको पसंद आना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब दोस्त को पसंद आ गया, मेरे को पसंद आ गया, वो पॉइंट नहीं है यहाँ पे। दोस्त की वाइफ को भी पसंद 50-50 है और मेरे को भी 50-50 है। एक्चुअली मेन रीजन क्या है वो आपको घर जाके बोलेंगे हम लोग, वो मतलब कहाँ पे पसंद नहीं आ रहा, मतलब ऐसा कुछ रीजन क्या है वो आप लोगों को घर जाके हम लोग समझेंगे इंशाल्लाह। और ये बजट हमारा बजट अलग अलग है, तो जाके आप लोग को जो भी है शेयर करेंगे, बिकॉज आप लोग को भी एक हेल्प हो जाती। तो चलो गाइस घर जाके मिलेंगे। ये देखो ये है हमारा नया घर। यहाँ पर घोड़े बकरियाँ गायें पालेंगे, इधर खेती बाड़ी करेंगे। तो हम लोग आए स्पेंसर्स में वेजिटेबल्स लेने। छिलना करना अपने से नहीं होता भाई, तो मेरे को लगा देते हैं काम। तो ये नको लियो, छिलेवा लेंगे अपन। सुपरमैन, एक हाथ में बच्चा एक हाथ में तरकारी। ये अच्छा ऑफर है, बैग में डाल। हम लोग आगे घर एंड आने के टाइम गरम गरम समोसे लेके आए हम लोग। तो आज रेसिपी मैं बनाई थी, मैं खीमा बनाई थी और बस खीमा बनाई थी एंड दाल थी, तो वो खाए हम लोग। और अब खीमे की रेसिपी क्या दिखाऊँ आप लोग को, तो आती बनाने। तो बस अभी घर आई गाइस, इतनी धूप है मालूम। अच्छा मैं जो स्किन केयर करके गई थी ना, मेरी फेस बच गई। तो गाइस आने के टाइम पे स्पेंसर से मैं लेके आई थोड़ी तरकारी, लेके आई थोड़ी गई टमाटे एंड ये धाई लेके आई, धाई नहीं था मेरे पास, और कोथमीर पुदीना करियापाक मसाला है हरा मसाला, और थोड़ी भिंडी फ्रेश रहती वहाँ पर। तो और ये ली मैं बीन्स की फली और ये बच्चों को वेपर्स ली।
हरी मिर्ची, तो बस मेरा फेवरेट पाइनएप्पल ले गई। एंड बस ये ऑफर चल रहा था 99 रुपीज़ में, एक फ्री बॉटल्स है, इसको फ्रिज में रखेंगे, पहले मैं इसको करूँगी वॉश, वेजिटेबल जो वॉश करने का मेरे पास है उसे वॉश करूँगी। तो चलो गाइस, हम आप लोग से कुछ शेयर करना चाह रहे, तो प्लानिंग कर रहे थे हम लोग न्यू हाउस बाय करने के वास्ते, लेकिन तो जैसा मैं आप लोगों को अभी रास्ते में बोला, दो फ्लैट देखे, यस, और एक नॉर्मल फ्लैट भी देखे, तो ऑल टुगेदर 3 फ्लैट देखे अभी हम लोगों को। मैं आप लोग तो आप लोग सोच रहे होंगे हम लोग अगर बाय कर रहे तो अभी तो हमारा प्लान ही है गाइस बाय करने के वास्ते, बिकॉज बहुत बजट बहुत होना पड़ता है उसके वास्ते। ज़मीन तो नॉर्मली हम लोग ले लिए लाइक इंस्टॉलमेंट्स पे लिए, हम उसको थोड़े दिन के बाद सेल करेंगे, जब जाके और थोड़े पैसे उसमें ऐड ऑन करके हम लोग न्यू हाउस खरीदेंगे। लेकिन अभी कैसा है, न्यू हाउस आप जब रेडी हो जाते हैं ना, जब आपको सडन एक मिनट में मिलता नहीं, उसको पहले से देख के अपन रखना पड़ता है, तो समझो ये प्लानिंग है। ये घर में से अब हम लोग निकलेंगे तो बस ओन हाउस लेके निकलेंगे, जब तक हम लोग नहीं निकलेंगे, बिकॉज मालूम जो रेंट पे रहते उन लोग को मालूम ये सर में दर्द कितना रहता घर खाली करना। तो हम लोग दूसरी चीज़ क्या बताओ, हम लोगों को ज़मीन बेचने का रीज़न भी आप लोगों में बोला, वहाँ पे जो है ना महीने में 1 से 2 विजिट करना पड़ रहा है, जाके जो है वहाँ पे देखना पड़ रहा, तो वो भी थोड़ा मुश्किल हो जा रहा चीज़। एंड रही बात आज जो हम लोग फ्लैट्स देखे, तो वो हमारे ऑफिस के दोस्त हैं तो उन्होंने भी लेना चाह रहे थे, तो हम लोग सोचे चलो दोनों मिलके अगर या कुछ आधा आधा करके भी जैसा भी ले लिए ना, दोनों को भी यूज़ होता, तो उसके वजह से जो है हम लोग आज देखे 1-2-3 घर, अच्छे है घर, प्रॉब्लम ये है कि एक्सपेंसिव है, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत एक्सपेंसिव है, ऑलमोस्ट ट्रिपल जो हमारा बजट जो माइंडसेट रखे थे उसका 3 गुना ज़्यादा है। एंड दूसरी चीज़ है हर मतलब जितने भी देखे ना थोड़ा सिटी से बाहर, मतलब तो अभी तो हम लोग प्लान कर रहे हैं घर खरीदने का, एंड अगर खरीद भी ना मतलब अगर ख़रीदना भी है इंशाल्लाह हो भी जा रहा तो इंस्टॉलमेंट में खरीदेंगे भाई, बिकॉज अपन भी मिडिल क्लास है, एक साथ उठा के ले जाके इतने पैसे दे के अपन भी नहीं खरीद सकते, आई थिंक हर किसी का हाल ऐसे ही रहता। तो इनके जो दोस्त है लाइक हमारे एक फैमिली मेम्बर के जैसे है, तो उनकी भी एक छोटी फैमिली है, हमारी भी छोटी फैमिली, उनके भी 2 बेबीज है, तो हम लोग सोचे दोनों मिल के लेंगे, मतलब ऊपर उन्हों नीचे हम लोग लेंगे, बाद में टाइम आया जब वो कर ले सकते फिर जैसा भी देख बट सकते। या यहाँ पर ऐसा मिला हम लोग को घर बाजू बाजू मिला और भी अच्छा था, लेकिन इसमें क्या था प्राइस ज़्यादा था, और अभी हम लोग का तो उतना बजट नहीं है लेने के वास्ते, तो इंशाल्लाह दुआ करो आप लोग हमारा भी एक क्यूट सा मतलब 2 बेडरूम या 1 बेडरूम हॉल, बस थोड़ी जगह भी रहा तो बस है, ओन घर रहना गाइस ज़रूरी है बहुत, तो बस दुआ करो गाइस आप लोग, इंशाल्लाह हम लोग भी लेंगे, तो खुशी हुई उन्होंने हमारे साथ लेना चाह रहे तो बहुत खुशी हुई, तो इंशाल्लाह देखेंगे फ्यूचर में अगर ये ज़मीन का हमारा कंप्लीट हो गया तो जब जाके हम लोग उसको सेल करके और कुछ और भी लोन वगैरह लेके हम लोग घर ले सकते हैं इंशाल्लाह। तो हम लोग सोचे चलो आप लोग हमारी फैमिली है, हर चीज़ आप लोग से शेयर करते हैं, हम लोग ये भी शेयर करेंगे। तो एंड दूसरी मेन चीज़ ये है कि रमज़ान आ रहा जस्ट 19 और 20 डेज है बस, तो बी रेडी, 21 महीना आता साल में भाई, तो दबा के अपन दुआएं करो, दुआएं करना है, और ये जो वायरस जो है ना भाई ये सर में दर्द है, लास्ट टाइम दुआ करे तो अपने को इतना खुला रमजान तक जा सक रहे अपन, तो और भी अच्छे से दुआएं करो जो पूरा रमजान अपना आसान से इफ्तारी वगैरह सब चीज आसान से हो जाना, रोजे आसान से होना, गर्मियों में रोजा आ रहा गाइस, बस वो अल्लाह आसान से करना अपन। बाय द वे गाइस, जो वाउ स्किन साइंस के प्रोडक्ट्स के मैं लिंक से नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ज़रूर चेकआउट कर लेना गाइस, बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स है, जो भी है था मैं रियल आप लोग के सामने शेयर करती हूँ, एंड जो अच्छा है वो उसका रिव्यू मैं आप लोग को दूंगी, तो मैं यूज़ करके आप लोग को दे रही हूँ हर चीज़, तो ज़रूर यूज़ करो आप लोग भी, ज़रूर परचेज करो, ठीक है। समोसा आ गया भाई, ये देखो गरम गरम, ये हम लोग आने के टाइम समोसा लेके आए थे बिकॉज इवनिंग टाइम हो रहा था, तो समोसा एंड गरम गरम जलेबी, और ये मेरा फेवरेट समोसा है। ये समोसा एक्चुअली ट्रायंगलिश कहीं को रहता है आप लोग बोलो, मेरे ख्याल से समोसा को गोल भी बना सकते शायद, कहीं को ट्रायंगलिश रहता है। तो चलो गाइस फिर मिलती हूँ जबरदस्त ब्लॉग के साथ, देखो उनके पीछे क्या हो रहा, मीठा नहीं रुकता इनसे, सब रुकता लेकिन मीठा नहीं रुकता, नहीं बहुत टेस्टी है मीठा नहीं रुकता। यस, तो मेरे को परसों बोले थे बनाओ, बोल के मैं नहीं बनाई थी बिकॉज ज़्यादा खाते मीठा, तो पहले वेट ज़्यादा हो रहा,
नो मिठा ज़्यादा। तो चलो गाइस, वाओ स्किन साइंस के प्रोडक्ट्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दी, ज़रूर चेकआउट कर लेना। ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स है, भैया भी यूज़ कर रहे, बॉयज़ भी यूज़ कर सकते। तो फिर मिलती हूँ एक ज़बरदस्त ब्लॉग के साथ। चिल्ड्रेन अल्लाह हाफिज़, ज़रूर दुआ में याद रखना, स्पेशली मेरी फैमिली को। एंड मेरा समोसा हो रहा ठंडा, तो मैं जा रही हूँ खाने, तो आप लोग भी खाओ समोसा। जैसे हमेशा बोलती, पानी पीते रहो, जूस पीते रहो। ये है मेरे जगने की रात के दो ड्रेसेस, ये देख सकते हैं आप लोग, दो ड्रेसेस है, मैं इसको दिखाती हूँ आपको। तो गाइस, ये मेरा दो ड्रेसेस है जगने की रात के, तो ये सिलाने देने भेज रही हूँ मैं, बिकॉज दो में से कोसा जल्दी दिए, मैं वो पहन सकती हूँ। तो ये है कॉटन में भी है, एंड मैं दिखाती हूँ आप लोग को। तो ये ब्लैक कलर का है, तो एकदम पाकिस्तानी वाला डिज़ाइन है इसमें, पूरा पाकिस्तानी ड्रेसेस है ये, का दुपट्टा है ये, जैसा मैं दिखाई थी आप लोग को एक ब्लॉग में। तो ऐसे था ये ड्रेस मेरा, मैं सिलाने नहीं दी थी, स्टिच कराने, तो उसमें तागे का काम है, एम्ब्रॉयडिंग का काम है। तो ऐसा इसका नेक है, नेक पे ऐसा काम है इसका। तो ये एक ड्रेस मैं दे रही हूँ स्टिच कराने, ब्लैक और वाइट कॉम्बिनेशन है जो अपन का फेवरेट है, एंड ज़बरदस्त रहता ये। तो चलो ये एक ड्रेस मैं दिखा दी आपको। तो इन्होंने जाने रो रहे, तो नहीं जाते, जाने पड़ता ना बोले तो। तो इन्होंने जाने रो रहे। तो ये देखो, ये दूसरा ड्रेस है इसका, ये दुपट्टा है, तो इसके अंदर है इसका दुपट्टा, और ये है इसके स्लीव्स। आई थिंक नहीं, ये सामने का बॉर्डर है, और ये है ड्रेस मटेरियल पूरा। तो कलर अच्छा है ये, तो सोबर है एंड डिसेंट है एकदम, तो ज़्यादा हेवी भी नहीं है, कंफर्ट है अच्छा। इसका फ्रंट मैं दिखाती हूँ आप लोग को, इसका नेक अच्छा ऐसा है, देखो तो ऐसा है गाइस, ये इसका नेक है, ये फ्रंट है, और ये पूरा वो है नीचे तक। दो ड्रेसेस है मैं स्टिच कराने, इनको दे रही हूँ, दोनों ना वीकेंड है बोल के मूवी लगा लेके बैठे, राइट, जा रहे ना, जाएंगे ना, आराम से लेटे हुए थे। एंड अब भी टीवी बंद करे, मैं कैमरा ऑन करी, तो टेलर हमारे को एक नज़दीक, मतलब हमारे घर से थोड़ा नज़दीक पे एक टेलर है, तो उन्होंने मिल गए, नज़दीक नहीं है, 5 किलोमीटर है यहाँ से। तो आने के टाइम पे देखे हम लोग, उनसे बात करे तो उन्होंने बोले ला के दियो, बोले तो अभी ये दो ड्रेसेस है मेरे को तो पहनना है, तो इन्होंने जा रहे लोग को, मैं ड्रेसेस को कवर में डाल दूंगी, ये ना बहुत ही अच्छा आएगा इसमें, मेरा फेवरेट है ये कलर। तो चलो फिर मिलती हूँ एक ज़बरदस्त ब्लॉग के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़, ज़रूर दुआ में याद रखना, लाइक ठोक के जाना।